दोस्तों हम जिस सिस्टम में आए हैं ये सिस्टम कॉपीकैट का बिजनेस है और यहाँ पे आपको सिर्फ वही करना है जैसा आपके सीनियर आपको बताते हैं। तो मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे मैं चलते गया दोस्तों, और आज जो कामयाबी मैंने हासिल की है ये सब उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। तो दोस्तों गुरु जो होते हैं उनको हम सबसे बड़ा स्थान देते हैं, माता पिता से भी बढ़ के वो होते हैं, उनको हम चरण वंदनीय करते हैं। तो ऐसे है मेरे महागुरु, उनको मैं चरण वंदनीय करूंगा। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, मतलब उनके सीखने की तैयारी है। और कहते हैं ना, जो सीखेगा वही जीतेगा और जो सिखाएगा वही कमाएगा। हमारे मनार सर कहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो एरोप्लेन चलाना भी मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम फील्ड पे जब जाते हैं तो हमको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, लोग क्या करते हैं, बहाने मारते हैं, और ऐसे कुछ बहानों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। शायद आप लोग जब फील्ड पे निकलते हो तो आप लोगों को भी ये दिक्कतें होती होगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार तहे दिल से मिलेगी, और जो फील्ड पे आपको तकलीफें आ रही है वो आपको नहीं आएगी। लेकिन लोगों के कुछ सवाल होते हैं, कुछ बहाने होते हैं, मैं आपको उनसे अवगत कराऊंगा। तो क्या मिलता है नेटवर्किंग करने से, एक बार ध्यान दे, आपके सपने पूरे हो सकते हैं चाहे वो कितने कितने ही बड़े क्यों ना हो। अब मेरा सवाल है उन लोगों से जिन्होंने जब बिजनेस प्लान दिखाया जाता है तो वो कोई बहाना बना लेते हैं। तो बहाना किस टाइप का होता है दोस्तों? पहला बहाना होगा समय नहीं है। अब मेरा सवाल उन लोगों से जो 25 से 30 हजार की नौकरी में किसी के इतने गुलाम बन जाते कि 2 से 4 लाख कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोले जो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? दोस्तों समय तो किसी के पास में नहीं होता है, टाटा बिरला के पास में भी नहीं है। 24 घंटा भगवान ने सबको दिया है, लेकिन कोई जो है वो करोड़ों रुपए कमाता है और कोई जो है लाखों भी नहीं कमा पाता है। तो दोस्तों समय का बहाना जो करते हैं उनको आप बोल सकते हो भाई 2 से 4 लाख रुपए कमाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो भाई इसीलिए हमको ये चीज करना है, हमको टाइम एंड मनी फ्रीडम चाहिए, इसीलिए हमको ये बिजनेस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है ये टाइम एंड मनी फ्रीडम आपको दे सकता है। जॉब में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपका टाइम और रेट फिक्स होता है, इसलिए जॉब में जितना आपने टाइम दिया है उतना ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास में समय ही समय होगा, आप सिर्फ यहाँ पे 6 महीना काम कर लो दोस्तों, उसके बाद में देखना आपके पास में समय ही समय होगा, क्योंकि ये आपको पैसिव इनकम देता है और समय का फ्रीडम देता है। तो दोस्तों तो पहला बहाना जो लोग मारते हैं उनको आप बोल सकते हो। दूसरा बहाना होता है दोस्तों, वो कहते हैं फलाने से नहीं हुआ, ढिकाने से नहीं हुआ तो मेरे से क्या होगा। तो बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं और बहाना मारने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों असफलता जो है वो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए जब भी आपको असफलता मिलती है तो समझ लेना भगवान ने आपको जो है सक्सेस बनने का रास्ता फिर से दिया हुआ है, क्योंकि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो आपके लिए 10 रास्ते खोल देता है। और जब भी कोई कंपनी में, अगर आप ऐसे कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो और वहां पे असफल हो जाते हो सकता है कहीं ना कहीं वहां पे उनका सिस्टम सही नहीं है, उनका प्लान प्रेजेंटेशन सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, और लोग उस प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, और इसी वजह से क्या हो जाता है, उनके बैड अनुभव के वजह से वो वहां पे स्टॉप हो जाते हैं और वो फिर उसके बाद में आगे सोचते ही नहीं है। तो कहते हैं कि यार मेरा एक दोस्त था, उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, उससे नहीं हुआ तो मुझसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो हर वो चीज पॉसिबल है, अगर आप ठान लो तो वो चीज हो सकती है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो दुनिया में इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, उनको क्या बोलना है दोस्तों? देखो क्या होता है कि किसी का बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है ना, तो क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, उसको तो पढ़ाओगे ना। तो एक बार फेल हो गया तो उसको तो पढ़ाना छोड़ोगे नहीं, उसको तो पढ़ाओगे आप। किसी ने शादी की और तलाक हो गया तो क्या आप फिर से शादी नहीं करोगे? दोस्तों करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर फैमिली को आगे चलाना है, अगर समझो आपका तलाक हो गया तो क्या आप दूसरी शादी नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं, उसको पालने के लिए एक सहारा तो चाहिए। तो दोस्तों वैसे ही होता है, अगर जिंदगी में कभी आप असफलता आपको मिलती है तो समझ लेना कि भैया आपके पास में सेकंड ऑप्शन भगवान 100% आपको देने वाला है,
उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतरीन मौका आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको उस भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि असफलता तो आती है जिंदगी में। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना, मैं चलते गया चलते गया चलते गया, और मुझे आज ये सफलता हासिल हो चुकी है दोस्तों। और ऐसा ही आपको प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को मिला है, तो आप सभी अपने आप को जो है भाग्यशाली मानिए, क्योंकि यहाँ से आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज बहुत सारे लोग ऐसे बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, क्या आप उनके लिए एक माध्यम बनना चाहोगे? तो दोस्तों आप उन लोगों को बोल सकते हो कि दोस्तों मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम है। आपके पास बहुत पैसा है, आप भूखे को एक बार तो रोटी खिला दोगे, लेकिन दोस्तों उस भूखे को रोटी कमाने का तरीका सिखाना ये उससे भी ज्यादा पुण्य का काम होता है। और ये पुण्य का काम आप करना चाहोगे तो आप उसको बोलिए कि सर तो फिर आ जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हो, भूखे को रोटी कमाने का तरीका सिखा सकते हो, तो क्या आपको जरूरत है इसकी? तो दोस्तों आप ऐसे लोगों के पास में जाओगे जिनको इसकी जरूरत नहीं है, वो बोलेगा यार मेरे घर में तो 50,000 से 1,00,000 रुपया आता है, मेरे पास तो बैंक बैलेंस है, मेरे पास में तो सारी चीजें, मेरे पास में सारे ऐशो आराम है। लेकिन ये ऐशो आराम तो सिर्फ आपके लिए ना दोस्तों, आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो, लोगों के लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका जीना व्यर्थ है दोस्तों। जो दूसरों के लिए जीता है वही जीता है, जो खुद के लिए जीता है वो जीता नहीं है दोस्तों। तो क्या आपको मान सम्मान कमाना है? क्या आपको आपको शोहरत, पैसा तो है लेकिन आपको शोहरत मिलेगी? पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं दोस्तों, लेकिन उनके पास में वो शोहरत नहीं होती है, वो नाम नहीं होता है। जैसे कि हमारे एक दिन मैंने स्वामी स्वामी सर का मैंने स्पीच सुना, तो उन्होंने कहा था पैसा हर किसी के पास में है, लेकिन आज माल्या ने भी पैसे कमाया, नीरव मोदी ने भी पैसे कमाया, क्या लोग उसकी इज्जत करते हैं? नहीं करते दोस्तों, क्योंकि लोगों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, लोगों को लूट के चले गए। तो दोस्तों आपको इसकी जरूरत है, हर किसी को इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अंदर से बनियान फट रही है तब कहते हो कि अंदर कौन देखता है। दुकान में 2000 की शर्ट पसंद आती है तो दुकानदार से कहते हैं ऐसी क्वालिटी की 500 के रेंज में दिखाओ। 10 से 20 रुपए की सब्जी खरीदते वक्त भावताव करते हैं, बेचारे गरीब का खून चूसते हो और मिर्ची धनिया फ्री में मांगते हो, सोचो फिर भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जरूरत हर किसी को है, लेकिन उनको समझने की जरूरत है। जो समझ गया वो यहाँ पे पैसे ही पैसे कमा रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है वो रह जा रहा है पहले से। तो दोस्तों आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे मुझे जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बहाने मारेंगे कि मुझे चेन MLM नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। मुझे मिलते हैं वो कहता है ये वही बिजनेस है ना, वो चेन मार्केटिंग MLM बिजनेस, तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो मेरा सवाल उन लोगों से है, जब कोई मूवी देखते हैं और अच्छी लगती है तो क्या आप 10 लोगों को नहीं बताते? सर जब पेटीएम और भीम ऐप आया था ना तो 50 रुपए मिलते थे, लोगों ने धड़ाधड़ वो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और 50 रुपए मिलते करके व्हाट्सएप पे सब लोगों को शेयर कर दिया, दिन भर बस वो मैसेजेस शेयर करते थे। तो मुझे बताओ दोस्तों क्या उस टाइम पे आपने चेन नहीं बनाई थी? दोस्तों चेन हम बनाते हैं, जाने अनजाने में चेन बनाते हैं। आप क्या ऐसे ही आ गए इस धरती पे? आपके ऊपर में कितना बड़ा चेन है? आपके पास में जब भी मार्केट से कोई सामान लाते हो क्या डायरेक्ट आपको कंपनी आपके घर पे लाके देती है? तो वो भी एक चेन के माध्यम से आता है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि बोलेंगे भाई मुझे चेन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको आप बोल सकते हो सर आपके घर में जो सामान आता है ना वो भी चेन मार्केटिंग से ही आता है, डायरेक्ट आपको कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय आपके घर पे नहीं लेके आती है। तो आप इस धरती पे आए हो तो ये भी एक चेन ही है दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर आपके पिताजी है, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी है, ये भी एक चेन ही है। तो चेन भैया जिसने चेन नहीं बनाया वो रह जाता है बेचैन, इसलिए चेन बनाना तो जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे भी लोग आपको जो है यहाँ पे बहाने मारेंगे, उनको ये जवाब ये दे सकते हो आप। बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं सर कि यह तो मेरी फील्ड का काम नहीं है, वो कहते हैं कि ये मेरी फील्ड नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, ये मुझे नहीं करना है। तो सर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि माता पिता के लाखों रुपए खर्चा करके MBA इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप लोगों ने कर ली है और उसके बाद में आपको नौकरी नहीं मिलती है और फिर जो जॉब मिलता है वो जॉब कर ले, तो एक चपरासी की नौकरी के लिए मैंने देखा था एक वीडियो में, एक चपरासी की नौकरी के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, MBA पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग जो है एक चपरासी की नौकरी के लिए वहां पे लाइन लगा के बैठे हुए रहते हैं
और फिर भी कहते हो मेरे फील्ड का काम नहीं है। सर वहां पे आपको चपरासी की नौकरी अच्छी लगती है, और दोस्तों यहाँ पे आपको लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, एक क्लास वन ऑफिसर का आपको पेमेंट मिल सकता है, फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को इग्नोर कर रहे हो। सर उन लोगों को आप बोल सकते हो जो बोलते हैं कि ये मेरे फील्ड का काम नहीं है, सर उनको आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि सर देखिए आज की जो स्थिति है उसको देखिए, लोगों के पास में जॉब नहीं है, लेकिन आपको एक माध्यम मिल रहा है जहां से आपके लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और फिर भी आप कहते हो कि ये मेरे फील्ड का काम नहीं है। सर डॉक्टर इंजीनियर वकील हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पे, आप किस क्वालिफिकेशन से हो ये देखा नहीं जाता है, आप कितना पढ़े लिखे हो, हमारे सर कहते हैं आप गोरे हो काले हो दिल वाले हो इसको देखा नहीं जाता है, आप कितना पढ़े लिखे हो। यहाँ पे मैंने देखा संदीप कुमार जी जो कि छठवीं क्लास पढ़ा हुआ लड़का है, सर वो एक बिजनेस को रन कर रहा था, उसका बिजनेस लॉकडाउन में स्टॉप हो गया, और वो लड़का आज यहाँ से मात्र 7 महीने में 9 से 10 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है, और आज उनके नीचे में डॉक्टर इंजीनियर एमबीए पढ़े लिखे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए सर कि ये आप फिर भी ऐसे लोग आपको कहेंगे कि ये मेरे फील्ड का काम नहीं है, तो ये एग्जांपल आप उनको बता सकते हो? सर यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, आप किस फील्ड से हो, आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो कितना पढ़े लिखे हो इससे कोई मायने नहीं रखता है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है ये मायने रखता है। अगर किसी फील्ड में भी आपको सफल होना है तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए दोस्तों, और फील्ड में आप जाते हो तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, मैं जुड़ा था भाई पैसे नहीं आए इसलिए अब नहीं करना, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे बोलेंगे कि मैं तो जुड़ा था यार, मैंने तो 2-3 साल बहुत मेहनत की लेकिन मेरे को पैसा ही नहीं आया, तो मैंने क्या कर दिया अभी छोड़ दिया भैया, अब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को करना ही नहीं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। यार मैं आप लोगों को और एक सवाल पूछता हूँ कि जीवन के 20-22 साल लाखों रुपए लगाकर बैचलर डिग्री ले लिया आपने 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए, और आपने इतना सारा नॉलेज अपने स्कूल से गेन किया, तो वहां पे जाके शिकायतें करो ना, अगर आपको नौकरी नहीं लगती है उनको बोलो ना यार मैंने इतना बड़े डिग्री लिया, मैं बैचलर बना, मैंने इतना सारा 20 से 22 साल मैंने लाखों रुपए का खर्चा किया, वहां पे जाके स्कूल में तो शिकायत नहीं करते कि भाई मेरे को जॉब क्यों नहीं लगा के दिया आपने, किसी कंपनी के ऑफिस में अपनी डिग्री देकर घर बैठ जाओ और बिना काम के महीने की तनख्वाह आपको यूं ही मिलेगी क्या? नहीं मिलेंगे ना दोस्तों। अगर किसी कंपनी में अगर आप जॉब लगते हो और वो कंपनी में अगर काम ही नहीं करोगे बिजनेस ही नहीं करोगे तो वहां पे आपको पैसा आएगा? तो दोस्तों नहीं आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही होता है दोस्तों, यहाँ पे काम नहीं करोगे सिर्फ ज्वाइनिंग करके बैठ जाओगे तो क्या आपको पैसा आएगा? आईडी लगा के बैठ जाओगे तो क्या आपको पैसा आएगा? जॉब करते हो 15-20 हजार रुपए की नौकरी करते हो, वहां पे 8 से 10 घंटा आप देते हो, तो मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे सिर्फ आईडी लगा के ग्रीन करके बैठने से आपको पैसा आएगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखने की तैयारी रखना पड़ेगा, जो दिक्कतें मार्केट में आती है उसको फेस करना पड़ेगा, आपको नो को सुनना पड़ेगा, और दोस्तों नो कहते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपको अगर कोई नो कहता है ना, हमारे मुझे रामनिवास पटेल सर की बहुत हंसी आती है, वो बोलते हैं कि कोई ऐसा नो करता है ना, नो ऐसा करता है सुअर जैसा मुंह बनाता है, तो वहां से चले जाओ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दूसरे बंदे को ढूंढो। जब तक आप नो नहीं सुनोगे ना दोस्तों तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे दोस्तों, नो सुनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि भाई साहब आपको क्या लगता है बहाना बनाकर आपने किसी को मना लिया है, अपने आप को धोखा दिया है दोस्तों, किसी को मनाया नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बहाना बनाता है तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मैं तो नए लोगों को ढूंढ लूंगा जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, अपने जिंदगी को बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े, मैं ऐसे लोगों को खोज लूंगा दोस्तों। लेकिन आप नो बोल के किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप अपने खुद को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि जिंदगी के 20-25 साल आप अपने जिंदगी में लगा दोगे काट दोगे लेकिन आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। लेकिन आपको कोई अगर आपके सपने पूरे करने का एक जरिया आपको दे रहा है तो 100% दोस्तों उसकी बात आपने सुननी चाहिए। बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत तो यही है दोस्तों, आखिर आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी कोई और नहीं है दोस्तों, आपको खुद को लेना है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो 10 के 10 लोग हार कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों कि अगर मैं 10 के 10 लोग अगर मुझे ना भी कहते हैं ना तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों। मेरा काम आपको बताना था दोस्तों, मैंने आपको एक बेहतरीन अवसर के
संदर्भ में बताया है, अब निर्णय आपका है, क्योंकि जीवन भी आपका है, परिवार भी आपका है, निर्णय भी आपको लेना है और भविष्य भी आपका है। आपके आज के द्वारा लिया हुआ एक डिसीजन आपके कल को सुंदर बना सकता है। आपका